सो हे गाइस, वेलकम बैक यू ऑल टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गॉडफादर गॉडजिला के रिगार्डिंग में बात करेंगे। और जितने भी लोगों ने फीडबैक मुझे मिला था कि मतलब हाँ, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होता है, गॉडजिला को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आ रही है लोगों को, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी लोगों को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे गॉडजिला को एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उतने लोग ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगा इसके बाद। तो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक देखें। थोड़ा देर पहले मैं डिस्कस कर लूंगा गॉडफादर गॉडजिला के रिगार्डिंग में, उसके बाद फिर मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी स्कैल्पिंग के लिए और यूज कर सकते हैं। जितने भी लोगों को फास्ट एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो रहा है, जितने भी लोगों को एंट्री एग्जिट में प्रॉब्लम हो रहा है, उन सब के लिए वीडियो के थोड़ा देर बाद ही मैं स्ट्रैटेजी रिवील कर दूंगा, ठीक है, कि हाँ और कौन सा स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं जो गॉडजिला के ऑल्टरनेटिव है, जो गॉडजिला के जगह पे हम यूज करके अच्छे खासे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और इनफैक्ट बहुत अच्छा वो प्रॉफिट देता है। बैक टेस्टिंग आप कर लो, मैंने बैक टेस्टिंग कर ली है, ठीक है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। और आज मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाया ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन की मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। अभी मैं थोड़ा घर पे आया हुआ हूँ, दैट्स वाई मैं सही से ट्रेड नहीं कर पा रहा। दिल्ली जब एक बार मैं वापस चला जाऊँगा ऑफिस में, वहाँ पर दिक्कत नहीं है, मेरा सेटअप वहाँ पर हर एक चीज़ बना हुआ है। अभी थोड़ा कुछ काम की वजह से मैं घर पर आया हुआ था, इस वजह से मैं थोड़ा थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आज ना ही मैं ट्रेड कर पाया और ना ही कोई वीडियो दे पाया, तो इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। और चलते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं गॉड फादर का आज क्या था। एक सेकेंड, मैं बॉलिंजर बैंड हटा लेता हूँ, ठीक है। गॉड फादर आज देखिए, बहुत सारे लोग ट्रैप हुए होंगे गॉड फादर में, ठीक है, गॉड फादर में बहुत सारे लोग आज ट्रैप हुए होंगे। सेकेंड कैंडल का ये हाई था और ये सेकेंड कैंडल का लो था। मार्केट क्या किया, मार्केट 2 कैंडल तक ब्रेक ही नहीं किया, मार्केट ये कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं दिया, ये कैंडल भी ब्रेकआउट नहीं दिया, तीसरा कैंडल जाके ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे हमें ये सब सिनेरियो में बच के रहना है। अगर ये इसके जस्ट बाद वाला भी कैंडल ब्रेकआउट देता ना, तो हमें बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता, लेकिन मार्केट 2 कैंडल को होल्ड कर गया, उसके बाद तीसरा कैंडल पे एंट्री दे रहा है। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा अलर्ट होकर ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ गॉड फादर वो स्ट्रैटेजी है जिसमें हमें थोड़ा थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो आज तो साफ साफ दिख रहा था कि मार्केट 2 कैंडल तक होल्ड कर गया, ये कैंडल भी होल्ड कर गया, ये कैंडल भी होल्ड कर गया, ये लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया, और तीसरा कैंडल जाके ब्रेकआउट किया, उसके बाद कुछ ना कुछ 20-30 पॉइंट दे करके वापस से रिवर्स हो गया। तो गॉड फादर में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखे, जब भी गॉड फादर सेकेंड कैंडल बनाने के बाद मार्केट अगर होल्ड करने लग जाए, तो उस दिन क्या करना, ट्रेड करेंगे बेसिक से, लेकिन क्वांटिटी को हाफ कर लेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 कैंडल होल्ड कर चुका है। यानी 2 कैंडल होल्ड करने का मतलब क्या, मार्केट 1 घंटे से साइडवेज चल रहा है, 1 घंटे से इस रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ। तो उस दिन क्या करना है, हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करना है, ठीक है। जब भी मार्केट सेकेंड कैंडल में ब्रेकआउट ना दे, सेकेंड कैंडल के बाद जस्ट जो कैंडल बने ब्रेकआउट ना दे, तो उसके बाद हाफ क्वांटिटी करना है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट देगा तो कुछ प्रॉफिट लेके ही आ जाएंगे, और नहीं देगा तो हाफ क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और गॉडजिला में आज बहुत अच्छा प्रॉफिट बना गॉडजिला, तो इनफैक्ट जिनको भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम नहीं है वो अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। जिन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए मैं ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी आज लेके आया हूँ, वो स्ट्रैटेजी को यूज़ करके अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। गॉडजिला हमें ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे कहीं भी ट्रेड इधर तो दिया ही नहीं, एक ट्रेड हमें कहाँ मिला, ये वाला हैमर कैंडल, उसके बाद मार्केट हम लोग को 70 पॉइंट दिया, ठीक है, 70 पॉइंट कम नहीं होता। फिर एक ये गॉडजिला मिला हैमर कैंडल पे, फिर ये लगभग भी 77 पॉइंट दिया, फिर उसके बाद हमें गॉडजिला यहाँ मिला हैमर कैंडल पे, और ये लगभग 116-110 पॉइंट दिया। और उसके बाद फिर हमें कहाँ मिला, ये रहा ये वाला शूटिंग स्टार पे, और ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट हमें दिया है, कुछ ना कुछ क्या 1:2, 1:3 के आसपास दे चुका है, 60 पॉइंट के आसपास ये भी कैंडल दिया। उसके बाद फिर हम ये एक हमें ट्रेड मिला, ये भी कितना पॉइंट दिया, लगभग 1:2 ये भी दे चुका है 44 पॉइंट का। उसके बाद हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला, कौन सा, ये वाला नेगेटिव कैंडल वाला, ठीक है, यहाँ पे भी हमें कितना मिल गया, 1:4 तो मिल ही गया इजिली, ये 1:4 हमें मिला, ठीक है। उसके बाद फिर हमें कहाँ ट्रेड मिला, फिर इधर कहीं ट्रेड मिला, कहीं ट्रेड मिला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ये हैमर कैंडल पे, ठीक है, ये हैमर कैंडल पे ट्रेड मिला, और ये हमें फिर से एक बड़ा सा प्रॉफिट कैप्चर हुआ, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 70 पॉइंट के आसपास। और फिर हमें यहाँ पे एक शूटिंग स्टार पे ट्रेड मिला,
ये बहुत ही शानदार ट्रेड था, जितने भी लोग किए होंगे बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना, ये देखिए ये भी 1:4 हम लोग को दिया ही है, 1:4 तो दे ही दिया, ठीक है। तो ये है लगभग 80-90 पॉइंट के आसपास, ये भी हम लोग को कैप्चर करके दिया। उसके बाद फिर ये एक ट्रेड मिला, गॉड जिला बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देता है, लोग पता नहीं कैसे कह रहे इसमें से प्रॉफिट नहीं होता, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। हाँ बस इसकी कंडीशन है कि ये आपको फास्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे भी लगभग 70 पॉइंट के आसपास कैप्चर हुआ, और जैसे ही कैप्चर होने के बाद फिर यहाँ पे एक और ट्रेड मिल गया, किस चीज़ पे, हैमर पे, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे ट्रेड मिला और ये फिर कैप्चर हुआ, फिर ये एक ट्रेड मिला, फिर ये कैप्चर हुआ। देखो ना यहाँ पे, देखो जब मार्केट ऊपर जाने वाला था, ऊपर जाने से पहले ही हमें यहाँ पे हैमर कैंडल दिया और ये बड़ा प्रॉफिट कैप्चर हुआ। तो कैसे कह रहे हो इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स इजिली कैप्चर हो रहे हो, एक्सपायरी के दिन लास्ट में इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर करना, गॉडजिला इजिली कैप्चर करके दे रहा है, ठीक है। तो गॉडजिला बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जितने भी लोगों को एग्जीक्यूट करना आता है फास्टली उनके लिए बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे गया है, ठीक है, ये एक स्टॉप लॉस गया है, उसके बाद फिर ये हमें टारगेट मिला, फिर ये टारगेट मिला। तो मतलब इतना बड़ा बड़ा टारगेट आप ले करके एक स्टॉप लॉस दे रहे हो, तो क्या ही फर्क पड़ेगा उस चीज़ से, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब बात कर लेते हैं वो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी का, कि वो अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी कौन सा है जिसको हम यूज़ करके गॉडजिला, जिनको भी गॉडजिला में एग्जीक्यूशन में दिक्कत आ रही है, एंट्री एग्जिट होने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है बहुत ही बेहतरीन, ये भी काम करेगा। बस ये है कि गॉडजिला इतना ट्रेड नहीं मिलेगा, दिन भर में 4-5 मैक्सिमम ट्रेड मिलेंगे, और 4-5 में से इसकी भी एक्यूरेसी लगभग 80-85% के आसपास है, 90% मान के चलते हैं कि इसकी भी एक्यूरेसी है ही, तो उसमें कोई इशू नहीं होने वाला। बस इसका रूल्स चेंज हो जाएगा, रूल क्या चेंज हो जाएगा कि 1 मिनट टाइम फ्रेम को स्विच करके 3 मिनट टाइम फ्रेम लगा लेना है, ठीक है। कैंडल सब सेम ही होगा, कैंडल सारा सेम होगा। कौन कौन सा कैंडल, एक नेगेटिव कैंडल जिसका छोटा छोटा वीक होगा ऊपर, छोटा वीक नीचे, और दूसरा शूटिंग स्टार, ठीक है, और तीसरा स्पिनिंग टॉप, ठीक है। ये तीन ही कैंडल को हम ट्रेड करने वाले हैं, सब चीज सेम है, बस टाइम फ्रेम को 3 मिनट कर देंगे, और टारगेट हमारा इसमें 1:2 होगा, इससे ज़्यादा हम वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे हो गया तो ऑलरेडी कैंडल का साइज बड़ा होगा, इसलिए इसका टारगेट 1:2 होगा। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो है कंडीशन ये है कि बॉलिंजर बैंड का अपर लेवल सारे कैंडल टच करे, जो टच करेगा वही हमारा ट्रेड है, जो टच नहीं करेगा वो हमारा ट्रेड नहीं है, हम उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, सिंपल ये ध्यान में रखना है। दूसरा ये देखते हैं आज ट्रेड हमें मिला या नहीं मिला। सबसे पहले देखते हैं मार्केट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ, इसके बाद हमें कहीं कोई ट्रेड मिला है, कोई ट्रेड नहीं मिला, ये सब कोई ट्रेड नहीं मिला, क्यों, क्योंकि इसका कंडीशन है कि बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करे तभी हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ना ये कैंडल टच किया ना ये कैंडल टच किया तो हमारा ट्रेड ये है ही नहीं, ठीक है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारा ट्रेड कौन सा है, ये नेगेटिव कैंडल वाला, ठीक है, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड को टच कर दिया है, 1:2 हमारा टारगेट है, 1:2 यहाँ पे अचीव हो गया, 96 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। उसके बाद कहीं हमें ट्रेड मिला, ये नेगेटिव कैंडल नहीं है, ठीक है, हमें ट्रेड मिला नहीं मिला, कहीं भी ट्रेड मिला यहाँ पे एक ट्रेड मिला, ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड है और ये SL ट्रेड है, तो हम यहाँ पे SL दे देंगे, 29 पॉइंट का SL है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर हमें कहीं ट्रेड मिला, उसके बाद फिर हमें आज कहीं ट्रेड मिला, कहीं नहीं ट्रेड मिला, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसके बाद कहीं भी ट्रेड मिला, कहीं नहीं ट्रेड मिला, दो ट्रेड मिला आज टोटल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से। वन में आपको 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिला और दूसरा में 29 पॉइंट का आपके आसपास स्टॉप लॉस गया, फिर भी आप स्टिल 70 पॉइंट प्लस में क्लोज किए हो, ठीक है। और बैक टेस्टिंग करते हैं हम लोग थोड़ा पीछे का, कल का देखते हैं कल हमें कहाँ कहाँ ट्रेड मिला है। इधर कहीं भी ट्रेड मिला नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम सिर्फ देखेंगे कि जो बॉलिंजर बैंड को टच करेगा हम वही ट्रेड लेंगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो गॉडजिला का अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी है। गॉडजिला में तो हम लोग जो नियरेस्ट रहता है उसमें भी ट्रेड ले लेते थे, लेकिन इसमें हमें टच जरूरी है, टच चाहिए, टच नहीं होगा हम ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा कम ट्रेड आपको देगा लेकिन बहुत ही एक्यूरेट ट्रेड देगा और आपको स्टेबल रखेगा, ज़्यादा फास्ट एग्जीक्यूशन की इसमें कुछ खास ज़रूरत है नहीं, नॉर्मल आपको एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है, टारगेट के बेसिस पे, तो कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं आने वाला है इस स्ट्रैटेजी में। बस दिमाग में इतना ही रखना है कि बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करते हुए ये तो या तो शूटिंग स्टार बन जाए या तो कोई एक नेगेटिव कैंडल बन जाए छोटा छोटा विक के साथ ऊपर और नीचे रेड कलर में, या तो स्पिनिंग टॉप बन जाए, ठीक है। ये तीन कैंडल बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करते हुए अगर बनता है तो हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेड कैंडल टच किया नहीं किया,
ये कैंडल टच किया, ये शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार का कलर मैटर नहीं करता, वो ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस था और 1:2 हमारा टारगेट है। यहाँ पे 1:2 अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें कहीं ट्रेड मिला, इधर इधर कहीं ट्रेड मिला, इधर कहीं ट्रेड मिला, नहीं मिला, ये ट्रेड मिला हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे सिंपल इस कैंडल, क्यों, क्योंकि ये बॉलिंजर बैंड को टच कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर हो गए और 1:2 का वेट करेंगे और ये हमें 1:2 मिल गया। फिर उसके बाद कहीं हमें ट्रेड मिला इधर, ये शूटिंग स्टार था, यहाँ पे ये ट्रेड मिला, ठीक है। ये हमारा SL ट्रेड है, ये हमारा एक SL ट्रेड, ये वाला सॉरी, ये रेड कलर में जो शूटिंग स्टार है ये हमारा SL ट्रेड है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड को टच किया था तो हम एंटर हो जाएंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ एक ट्रेड मिला तो हम यहाँ फिर से एंटर होंगे, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और ये 1:2 का वेट करेंगे। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ उनके लिए है जिन्हें 1 मिनट में गॉडजिला को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो रहा है। तो ये गॉडजिला 2 है, जिन्हें भी एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है, फास्ट एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे ऑर्डर को, उनके लिए ये है कि थोड़ा आप आराम से भी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे तो चलेगा। इसमें टारगेट भी कुछ खास बड़ा नहीं होता है और सिंपल ये आपको दिन भर में 3 से 4 ही ट्रेड देगा मैक्सिमम। 4 ट्रेड में से आपको 3 ट्रेड 2 ट्रेड हमेशा प्रॉफिट में ही जाएगा, इनफैक्ट 4 ट्रेड में से 3 ट्रेड प्रॉफिट में ही जाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट में जब जा रहे हैं तो आप 2:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जब आप प्रॉफिट लेंगे तो 2 और जब गवाएंगे तो 1। अगर मान लीजिए 3 आपने प्रॉफिट किया तो 3 दूना 6 पॉइंट आपने कैप्चर किया, और जब 1 गवाएंगे तो 1 गवाएंगे फिर भी आप 5 पॉइंट प्रॉफिट मिलेंगे। अगर मान लीजिए 50-50 पॉइंट का 4 ट्रेड मिला तो जब भी आप कमाएंगे तो 100 पॉइंट और गवाएंगे तो 50 पॉइंट। तो 50-50 करके आप 3 बार सही हो गए, 100-100 करके 3 बार सही हो गए, 50 करके 1 बार गलत हो गए, आप स्टिल बहुत बड़े प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद फिर हमें कहीं ट्रेड मिला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला, तो ये ट्रेड हमारा SL ट्रेड था तो हम इसमें SL दे देंगे। हालांकि ये ट्रेड एग्जैक्ट है नहीं, लेकिन ट्रेड तो है ही नेगेटिव कैंडल के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर हमें SL खाया है, उसके बाद ये मार्केट नीचे आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। और भी बैक टेस्टिंग आप कर लो, मैंने बैक टेस्टिंग की है, बहुत अच्छी अच्छी एक्यूरेसी है। बस ये ध्यान में रखना है कि बॉलिंजर बैंड के अपर लेवल को टच करके अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर अगर शूटिंग स्टार बनेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे, ना कि ऐसे शूटिंग स्टार बना हुआ है तो हम इस पर ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको इसमें टच मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए, तभी जाके इसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। और देखते हैं पीछे बैक टेस्टिंग करके थोड़ा। ये देखिए इधर कहीं ट्रेड मिला, कोई ट्रेड नहीं मिला, इधर कोई ट्रेड नहीं मिला, यहाँ पे एक ट्रेड मिला ये शूटिंग स्टार पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या होंगे, एंटर हो जाएंगे सिंपल, ये हम एंटर हो गए और इसका स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:2 का टारगेट रखेंगे, सिंपल इतना ही ध्यान में रखना है। और ये 1:2 यहाँ पे अचीव हो गया। उसके बाद फिर हमें कहीं एंट्री मिली है, कहीं भी एंट्री मिला, कहीं भी एंट्री मिला, यहाँ पे एक एंट्री मिला ये डोजी पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंटर हो जाएंगे, ये कैंडल पे एंटर हो जाएंगे, बॉलिंजर बैंड को ये टच कर रहा था, ठीक है। उसके बाद 1:2 का हम वेट करेंगे और ये 1:2 हमें मिल गया। तो ये दिन भर में आपको 3 से 4 ट्रेड मैक्सिमम, 2 या 3 ट्रेड देगा, 2 या 3 ट्रेड में आपको 2 ट्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट में दे देगा, ठीक है। और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे, कभी तो लॉस होने वाला है नहीं। कभी ऐसा नहीं आएगा कि मतलब 4 ट्रेड आपने लिए, चारों के चारों लॉस हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 ट्रेड मिलेगा तो मैक्सिमम 2 ट्रेड तो प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, और वैसे प्रोबेबिलिटी रहता है कि 3 ट्रेड में प्रॉफिट में चले जाता है, ठीक है। और अगर 2 ट्रेड 3 ट्रेड मिल रहा है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि दोनों तीनों प्रॉफिट में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप जाके बैक टेस्टिंग करो, कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद फिर 1 लॉट 2 लॉट से ट्रेड करना स्टार्ट करो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। और जितने भी लोगों को गॉडजिला स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी 1 मिनट पे अच्छा लग रहा है वो उस पर प्रैक्टिस करते रहे, वो बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। और जिनको भी उन सब चीज़ पे दिक्कत हो रहा तो वो ये गॉडजिला स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी पार्ट 2 को यूज़ कर ले, कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत ना हो। आप नॉर्मली कोई भी कितने थोड़ा स्लो भी आप एग्जीक्यूट करोगे ऑर्डर को तो चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और आज कोई वीडियो नहीं आ पाया इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट अभी थोड़ा मैं अभी कनेक्शन का इशू सॉल्व हुआ है तो मैं अभी वीडियो शूट कर पा रहा हूँ। और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाला वीडियो मैंने बताया था करप्ट हो चुका है, तो मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ कि मतलब शूट करूँ अभी आज। ये ऑल्टरनेटिव वीडियो शूट करना था क्योंकि बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया था कि हाँ उन्हें एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मैंने ये स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पहले शूट कर लिए कि हाँ इससे लोग पहले पैसे बना लें, बाद में हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शूट कर लेंगे। कल कल तक शूट करके हम अपलोड कर देंगे। अगर ये ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी मुझे आज नहीं शूट करना होता तो मैं आज ही स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो शूट करके डाल देता। सिंपल रूल क्या याद रखना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, बॉलिंजर बैंड लगा लेना, और बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ कोई एक नेगेटिव कैंडल बने, जैसे ये कैंडल था, यहाँ पे हमारा ट्रेड है, यहाँ पे मेंटर हो जाएंगे और ये मेंटर प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, ठीक है।
यहाँ पे देखिए ये शूटिंग स्टार है, ये बॉलिंग जब इनको टच कर रहा है हम यहाँ पे एंटर हो जाएंगे और ये प्रॉफिट कैप्चर करेंगे, ठीक है। और हाँ ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ पुट साइड के लिए, बॉलिंजर बैंड सिर्फ पुट साइड के लिए, यहाँ पे कॉल साइड के लिए हम कोई ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रहना है, जितने भी लोग ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी गॉडजिला का यूज़ करेंगे वो सिर्फ पुट साइड का ट्रेड लेंगे, जैसे यहाँ पे ट्रेड था हमारा, ये ट्रेड है, ठीक है। ये नेगेटिव कैंडल बना हुआ है, यहाँ पे हम एंटर हो जाएंगे, इसका स्टॉप लॉस रख लेंगे, ये स्टॉप लॉस नहीं गया, बफर यूज़ करेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं गया, टारगेट हमें मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें ट्रेड मिला, फिर ये भी प्रॉफिट में गया, टच वाला जितना भी ट्रेड हमें मिलेगा हम उस ट्रेड को करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, बॉलिंजर बैंड को टच करता हुआ, बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करता हुआ, ये तो या तो शूटिंग स्टार बन जाए, या तो एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, या तो फिर एक स्पिनिंग टॉप बन जाए, लेकिन कंडीशन है कि बॉलिंजर बैंड को अपर लेवल को टच करना चाहिए। जो कैंडल टच नहीं करेगा वो हमारा कन्फर्मेशन वाला ट्रेड नहीं है, हम नहीं करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रैटेजी समझ में आ गया होगा, अगर स्ट्रैटेजी समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दे, और इसी तरीके के और भी शानदार कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आने वाले वीडियो में मैं फिर वो नाची समझाने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा सेटअप बनता है फिर वो नाची पे भी, और विविध पॉइंट्स को बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, एक अलग नज़रिए से मैं समझाऊंगा, जो आप देखोगे फिर कहोगे मतलब ऐसा मैं क्यों नहीं सोचता था, ठीक है। तो वो चीज़ दोनों मैं समझाने वाला हूँ आने वाले वीडियोज़ में, और कल स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आज ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी डालना था गॉडजिला के लिए, इसलिए मैं नहीं डाल पाया, और कल मैं डाल दूंगा, और जितने भी लोग आज गॉडजिला यूज़ किए होंगे बहुत अच्छा प्रॉफिट में होंगे, ठीक है। तो यूज़ करते रहिए स्ट्रैटेजी को और पैसा बनाते रहिए, और डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है, चाहे कितनी भी अच्छी एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी क्यों ना मिल जाए, बिना रिस्क मैनेजमेंट का आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।